घाटशिला अनुमंडल कार्यालय सभागार में विभिन्न ज्वलंत जन समस्याओं को लेकर जिला परिषद व पंचायती राज सभापति सह घाटशिला विधायक रामदास सोरेन तथा बढ़ागोड़ा के विधायक सह पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सभापति समीर महंती ने संयुक्त रूप से एक आवश्यक बैठक की। इस बैठक में घाटशिला अनुमंडल अधिकारी सच्चिदानंद महतो, वन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, बिजली समेत अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान में एयरपोर्ट के शिलान्यास का मुद्दा उठाया गया। साथ ही घाटशिला के दाहीगोड़ा में बन रहे अपार्टमेंट एवं गालुडे के पुत्रों के जमीन विवाद को गंभीरता से लेते हुए भू अर्जन पदाधिकारियों से जांच करने को कहा। मौके पर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने बताया कि अनुमंडल कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई थी। कई विभागों के रिपोर्ट संतोषजनक रहे और जिन विभागों के रिपोर्ट संतोषजनक नहीं रहे उन्हें फटकार लगाई गई और निलंबित कार्यों को प्रगति देने का दिशा निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि कई ऐसे कार्य काफी वर्षों से लंबित है जिन्हें पूरा नहीं किया गया है। राज्य सरकार विकास कार्य करना चाहती है परंतु कुछ अधिकारियों कारण कार्यों को पूरा करने में विलम्ब हो रही है। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग को निर्देश दिया गया है कि सूचना के पश्चात किसी भी हाल में किसी भी क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर व ग्रामीण क्षेत्र में 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर को बदलना होगा। 24 घंटे की बिजली आपूर्ति की जानी चाहिए ताकि विशेषकर किसानों को कोई भी तकलीफ ना हो। उन्होंने कहा कि 2 माह के अंदर आचार संहिता लगने के पहले सभी लंबित कार्यों को पूरा की जाए, अन्यथा अधिकारियों पर कार्रवाई को बाध्य होना पड़ेगा। मौके पर काजल डॉन, कालीपत गोराई, मृत्युंजय यादव आदि मौजूद थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। आज का बैठक हमारे माननीय बालागोड़ा माननीय विधायक समीर महंती जी के साथ यहाँ का SDO यहाँ का साहब को हम लोग ये निर्देश दिए थे कि हम लोग समीक्षा का बैठक करना चाह रहे हैं और उसी के तहत SDO साहब ने आज सभी विभाग को बैठक बुलाया था और कई विभाग आए, कई विभाग उपस्थित रहा, लेकिन आज इस समीक्षा के दौरान कई विभाग ने उनका रिपोर्ट अच्छा मिला, कई विभाग द्वारा संतुष्टिजनक रिपोर्ट नहीं मिला जिसको डांट फटकार भी मिला गया है और उसको चेतावनी के साथ हम लोग ये कर दिए हैं कि आप लोग 2-3 महीने के अंदर आचार संहिता लगने के पहले आप जो भी आपका काम अधूरा है, जो भी आपका पेंडिंग है, जो भी कुछ है आप करा लें, अन्यथा इस तरह नहीं करने पर आप पर निश्चित रूप से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि एक एक योजना अभी हम लोग को पता चला एक योजना 2019-20 का है अभी उप स्वास्थ्य केंद्र है केंद्राडी में 2019-20 का है और आज तक वो इनकम्प्लीट नहीं है। ये तो अब बताइए आश्चर्यजनक बात है 2019-20 का, आज 24 है, 4-5 साल एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने के अगर 5 साल टाइम लग जाएगा फिर हमारे राज्य का विकास कैसे होगा। इस तरह कई गड़बड़ियाँ पाई गई है जैसे विद्युत विभाग में यह है कि शहर इलाका में 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलना है, ग्रामीण क्षेत्र में 72 घंटे के अंदर उसको ट्रांसफार्मर बदलना है, बशर्ते विभाग को इसका इन्फॉर्मेशन मिले। विभाग को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में 72 घंटे के अंदर उसको ये ट्रांसफार्मर बना के देना है। तो सारे ये लोगों का जो प्रक्रिया है ये करा जिसके कारण आज हम कासीदा में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग शॉप का भी हम लोग सरकार ने कर दिया, बहुत जल्दी खुलने वाला है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बिजली का कमी किसी भी तरह से ना हो। हमारी सरकार हेमंत सोरेन का ने एक सोच था कि हम सोलर प्लांट बना करके हम सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली देंगे, रात को DVC से माध्यम देंगे, लेकिन बिजली जो हम कंटिन्यू एक भी मिनट जनता को परेशान होने नहीं देंगे, एक मिनट भी बिजली हमारा नहीं कटेगा, ये सोच है जिसके कारण पूरे राज्य में सोलर प्लांट का किसी इच्छुक लोग को व्यक्ति को आप सोलर प्लांट खोल सकते हैं, सरकार का एकदम खुला मंच है। इसलिए जो भी है यहाँ पर और सारे विभाग आया था, सभी विभाग को हम लोग समीक्षा किए और सख्त निर्देश दिया गया है कि आप 2 महीने के अंदर अपना जो भी है पूरा कम्प्लीट करें, 2 महीने के बाद फिर आचार संहिता लगने के पहले हम लोग फिर एक बार समीक्षा बैठ कर रखेंगे, उसमें अगर किसी का इस तरह का अगर गलती पाए गड़बड़ी पाया जाएगा फिर उस पर कार्रवाई के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। आपको हम लोग निर्देशित किया है लगन वाला सर्टिफिकेट देगा, उसे सर्टिफिकेट ले लीजिए कि आप जमीन भूअर्जन से नहीं लिया बोल करके, उसके बाद कौन जमीन में जो अभी बेचा है वो जमीन का कहाँ है, उसका टोटल जमीन का ब्यौरा आपको DCO को बोल दिए हैं, कितना सड़क में किया, कितना किनल में किया, गया है तो ठीक है, नहीं गया तो सर्टिफिकेट लेगा, क्योंकि अगल बगल किनल में जमीन गया है
और उस पर सरकारी जमीन में क्या है क्या नहीं है उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ लोगों द्वारा लोगों को मिसगाइड करके मेरे जैसे हमको समझ में आ रहा है कि मिसगाइड करके इस तरह ये किया गया का जांच करने से इसका सब खुलासा होगा। साथ ये है कि ये दाहीगुड़ा वाला जो बिल्डिंग बन रहे हैं उसका परमिशन कैसे मिला, उसका परमिशन का अर्हता है जहाँ भी बिल्डिंग बनेगा वहाँ पर आपका अग्निशाम जाने का रास्ता होना चाहिए, एम्बुलेंस जाने का रास्ता होना चाहिए, वहाँ का कचरा पानी अंडर ये ग्राउंड होकर के नदी या कोई अच्छा नाला में जहाँ पर आम पब्लिक को वो गंदा से भरोसा नहीं हो, वो सब अहर्ताएँ हैं। क्या उन अहर्ता को देख करके परमिशन दिया गया या नहीं दिया गया? अगर वो अहर्ता को देख कर नहीं किया है तो उसको रद्द किया, रद्द करने का ये कर दिया, रद्द होना चाहिए। एक बिल्डिंग में अगर बड़े बड़े लोग बिल्डिंग में रहेगा और गरीब लोग झोपड़पट्टी वाला उसका गंदा पानी पिएगा जिसमें बीमारी फैलेगा, ये तो होना नहीं चाहिए, परमिशन गलत ढंग से दिया है। तीसरी ये बात है हमारा ये वाला दलभंगर वाला वायुसेना वालों ने गवाह किया है कि हमारा ज़मीन है, उसके बाद दिल्ली डीसी ने कमेटी बना दिया 17 को ही, उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं है, गवाह है कि नहीं है। उसके बाद वन विभाग वालों को बुलाए थे, वन विभाग वाला तो पता ही नहीं है कि कितना गाज जाएगा, कितना पेड़ जाएगा, कितना क्या होगा, हमको कहाँ लगाना है। जब ये सारी प्रक्रिया जब पूरा हुआ ही नहीं उसके बावजूद भी राज्य के मंत्री और केंद्रीय के उड़न राज्य मंत्री और स्थानीय संसद उसको भूमि पूजन कर रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये आ रहा है। उसको राज्य का मुख्यमंत्री कहीं भी कोई काम करता है, कोई प्लान का भी शिलान्यास करता है, सारे चीज़ पर क्लियर फिगर आता है, उसके बाद ही करता है वो। यहाँ कोई आयुर्वेदी एमएलए एमपी तो नहीं कर रहा, राज्य का मुख्यमंत्री कर रहा है सारे चीज़ की। कितना पेड़ कटेगा कोई नहीं बोल पा रहा है, क्यों नहीं बोल पाएगा भाई? उस विभाग के हो, उस हवाई अड्डा में कितना आम गाछ, कितना जाम गाछ, कितना कटहल, कितना साल का कितना कट रहा है, क्वांटिटी तो देना चाहिए। ये लोग के पास कोई क्वांटिटी नहीं है, और पेड़ को कहाँ लगाना वो भी अभी वो लोग को एक जानकारी नहीं है। तो ये सब जानकारी नहीं होते हुए भी भूमि पूजन कहाँ से होंगे? ठीक है, अभी अगर कोई दवा करता है कि हम सब राइट ठीक है तो पहले हमको वो दिखाए, वायुसेना का जो दवा किया है उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखा दे पास करता है, और हमको वन विभाग दिखा दे हम कितना कौन कौन पेड़ कितना काटेंगे, हम परमिशन दिया, परमिशन हमको दिखा दे वन विभाग, हम आम गाछ जाम गाछ साल गाछ जितना हम काटेंगे उसका परमिशन हमको दिखा दे, वायुसेना का अनापत्ति पत्र दिखा दे, उसका बाद हम बोलेंगे हाँ सही है। आज सारे अनुमंडल के प्रशासनिक बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है और जिसमें सारे अनुमंडल के पदाधिकारी लोग को बुलाया गया था, ब्लॉक लेवल से भी बुलाया गया था, बिजली विभाग फॉरेस्ट विभाग सारे लोग को बुलाया गया था। बहुत सारे छोटा छोटा काम को समय पर नहीं होता है जिसके चलते हम लोग इस तरह का बैठक करने का आवश्यक समझे, और हम लोग को सारे लोग को ये बताने का काम किए हैं कि भाई सरकार अगर इतना बेहतर ढंग से काम कर सकता है, आपके अधिकार, आपके सरकार, आपके द्वार, आपके योजना, आपके सरकार, आपके द्वार, ये सब करने का मतलब ये कि पदाधिकारी भी समझे कि हम अगर घर तक जाना चाह रहे हैं तो पदाधिकारी का भी लापरवाह नहीं चलेगा, वो अपना जिम्मेदारी को समझे और जिम्मेदारी को निष्ठा के साथ निभाने का काम करे। और उसी के तर्ज पर आज बैठक किए, सारे लोग को हम लोग बोले कि भाई जो जिम्मेदारी आपका इसको पालन करना होगा, आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी जैसा करो। कहीं कहीं देखें कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का कोई माई बाप नहीं है, एक तार टूट के गिर जाता है उसको हो सकता है कि हफ्ता तो 10 दिन 15 दिन तक तार को जोड़ने का काम नहीं करता, ट्रांसफार्मर तो दुर्लभ हो गया है। जबकि हम लोग एक नियमन बनाए थे वहाँ पर दिशा के मीटिंग में कि 24 घंटा के अंदर आपका शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में मैक्सिमम 72 घंटा, लेकिन 15 दिन 20 दिन वो भी हम देखते हैं कि जब विधायक बात करता है तो उसके बाद मिलता है, आम लोगों का बात को बढ़िया से सुनता भी नहीं है। और इसीलिए हम उन सारे विभाग को बुलाकर बैठक किए हैं और फिर एक महीना बाद फिर समीक्षा बैठक करेंगे कि इन लोग का काम काज व्यवहार आचरण में संस्कृति में बदलाव आया है कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो फिर से हम लोग बैठेंगे और उन लोग को फिर से सुधार करने का काम करेंगे। क्योंकि हेमंत सोरेन का सरकार में जितना बेहतर ढंग से सरकार काम कर रहा एकदम ग्रामीण क्षेत्र तक सारा पदाधिकारी उसी ढंग से काम करे तब जानेंगे कि हमारा जो मिशन है जो विजन है वो सक्सेस हुआ है। हटसिला में भी जमीन का तलाश चल रहा है,
आप हम लोग उस दिन गुड़ाबंदा के बालीजोड़ी में एक 20 एकड़ का जमीन दे दिए हैं। चाकुलिया में अभी दादा जैसा बोला था 0 काट सोलर प्लांट के लिए 26 एकड़ जमीन हम लोग दे दिए हैं। उसका बहुत ही जल्द उसका ये होगा, आपका टेंडर हो गया है, उसका हम शिलान्यास करके काम शुरू कराएंगे। और चकुलिया में 0 काट बिजली माने सोलर प्लांट, बिल्कुल बिजली नहीं जाएगा। और ये प्लांट और भी जगह में, चूँकि सारे जगह जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा इसीलिए बहुत सारे जगह नहीं हो पा रहा, लेकिन सरकार का ये विजन है कि भाई हम बिजली को इतना दुरुस्त कर देंगे कि भाई डीवीसी के ऊपर भरोसा ही नहीं करना पड़े। और वो चीज़ हम लोग चकुलिया में कर रहे हैं, और बाकी सब जगह तलाश है, जमीन मिल जाएगा तो सब जगह में भी किया जाएगा। साथ में जो हमारे घाटशिला अनुमंडल को जिला बनाने का जो बहुत लंबे समय से लोगों का सपना था, उस पर भी हम लोग बात किए हैं, दादा के साथ बात किए हैं, इस पर भी हम लोग अभी पहल करेंगे कि एक काम कम से कम हमारी सरकार में हो जाए और घाटशिला को जिला बनाने का जो काम है उसको हम करने का प्रयास करेंगे।